बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर मलिक अब्दुल वली काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बलोच कल्चर डे की निस्बत से ये प्रोग्राम आपकी तरफ से मुनक्किद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हर साल जो है, हर साल 2 मार्च पे हम लोग बलोची कल्चर डे मना रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तमाम अकवाम अपने कल्चर, अपने रस्म रिवाज का वो तारुफ करवाने के लिए और अपने जो यंग जनरेशन ने उसको अपना तारीखी किस्म का पढ़ाने के लिए वो ये दिन मनाते हैं, तो बलोच भी अपना तारीखी हवाले से ये दिन मना रहे हैं, जो कि एक अच्छा रिवायत भी है और ये इनका एक तारीख भी है कि वो अपने दस्तार से, अपने कपड़ों से और अपने बास्केट से, अपने चप्पल से, बलूची चप्पल से वो अब दुनिया को इससे मुतारफ़ करवाए, क्योंकि आजकल जो है जितने भी अकवाम है वो जितने भी अपना कल्चर मनाएंगे तो उसका तारुफ होगा। पहले ये था कि हम ड्रेस से, उसके लिबास से, उसके दस्तार से हम एक दूसरे को जानते थे, पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, हम उसका दस्तार देख कर, उस कपड़े देख कर हम जानते थे कि इसका ताल्लुक किस कौम से है, बल्कि एक सबक है अगर आप उसको देखा जाए तो। ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलोच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर साल 2 मार्च वो डे बनाते हैं, जो कि अच्छा, एक अच्छा शकून है, तो ये अच्छी रवायत है, अच्छी रवायत, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और यंग जनरेशन जितने भी है वो जिस तरह के यहाँ पे वो हिस्सा ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ सारे अकवाम जितने अभी यहाँ पे आए हुए, इधर अभी बहुत सारे हमारे जो सफ़ीर हैं यहाँ पे वो आए हुए थे, और यहाँ यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया वो आए हुए थे, और मुख्तलिफ तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ अकवाम से बलूचिस्तान में ताल्लुक़ रखने वाले, या आप देख रहे हो हज़ारा कौम के लोग हैं, पश्तून बहुत सारे हैं, और यहाँ पे हमारे सेटलर जो है वो जो बलोचिस्तानी है तो सारे इसमें शरीक है, तो एक अच्छी रिवायत है और इसको तसलसल जारी रखना चाहिए और भरपूर तरीके से। मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी बलोच रहते हैं पूरी दुनिया में, वो बलोच अपने सकाफत को, अपने रस्म रिवाज को बना रहे और अपने तारीख को याद करा रहे, अपने आबा व अजदाद का जो तारीख है, इसका मतलब है कि बलोच कौम का अपने मिट्टी से, अपने आबा व अजदाद से, अपने तारीख से, अपने जोग्राफिया से, यानी उसके प्यार है, मोहब्बत है, तो एक अच्छी रवायत है। इसलिए हम कहते हैं कि बलोच कौम जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद।